इस वक्त आपको कोई देख रहा है, आपकी हर एक हरकत पर नजर रख रहा है। नाउ आई एम श्योर कि कभी ना कभी आपने हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में सुनते हुए या पढ़ते हुए ये जरूर सोचा होगा कि क्या हो अगर यूनिवर्स की गहराइयों को देखने वाला ये टेलीस्कोप पृथ्वी की ओर मोड़ दिया जाए। तो ऐसा सोचा है ना, तो फिर अपने खिड़की या बालकनी या फिर छत से ऊपर की ओर देखते हुए उसे हाई कीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है एंड इस वक्त आपको हबल लो अर्थ ऑर्बिट से देख रहा है। और केवल एक ही हबल टेलीस्कोप नहीं, बल्कि 10 से 15 हबल टेलीस्कोप जितने पावरफुल सैटेलाइट्स, जिनका प्राइमरी मिरर हबल जितना या उससे भी बड़ा है, जो रात हो या दिन हो, आपके घर के अंदर हो या बाहर हो, हर वक्त आपको देख सकता है, जिसके बारे में हमें खुद फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक गलती से किए गए ट्वीट से ही पता चला था। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, जो एक चीज तो क्लियर कर देगा कि जिस प्राइवेसी की हम इतनी चिंता करते हैं ना, ये बस एक मिथ है। और दोस्तों, हम और आप हमारी डेली लाइफ पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। 29 अगस्त 2019 ईरान द्वारा सैटेलाइट लॉन्च की जाने की कोशिश की गई, पर जो रॉकेट सैटेलाइट कैरी कर रहा था वो लॉन्च साइट पर ही एक्सप्लोड हो गया। ईरान ने इस रॉकेट फेलियर में अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट बताई, जिनके मुताबिक अमेरिका उनके स्पेस प्रोग्राम को रोकना चाहता था। उसी दिन अमेरिका बेस्ड प्राइवेट कंपनी प्लैनेट लैब्स ने अपनी लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद बेस्ट सैटेलाइट द्वारा इस लॉन्च साइट की इमेज कैप्चर की। ये इमेजेस 3 मीटर रेजोल्यूशन पर पिक्सल में थी, जिसमें हम रॉकेट एक्सप्लोजन के बाद उस लॉन्च साइट की कई डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि उस दौरान बने स्मोक क्लाउड्स और चारों ओर मौजूद रॉकेट डिब्रीज। लेकिन ये इमेज इतनी क्लियर नहीं थी कि हमें रॉकेट फेलियर की असली वजह का पता चल सके। पर इस इमेज के कुछ समय बाद एक और सैटेलाइट इमेज पब्लिश की गई, जो इससे कई ज्यादा डिटेल्ड थी, जिसे मैक्सार कंपनी की 30 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन वाली सैटेलाइट ने खींचा था, जो अभी तक कमर्शियल मार्केट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किए गए सबसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाली सैटेलाइट है। वैसे ये इमेज काफी क्लियर थी, लेकिन अभी भी अमेरिका पर सवाल उठ रहे थे और इन इमेजेस से ये क्लियर नहीं था कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ तो हुआ कैसे। पर इसके बाद जो हुआ ना, उसने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया। वेल, फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक फोटो रिलीज की गई, जो फोटो अभी तक की ह्यूमन हिस्ट्री में किसी सैटेलाइट द्वारा कैप्चर की गई सबसे ज्यादा डिटेल्ड एंड हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाली इमेज थी। इन डिटेल्स को पाने के लिए सैटेलाइट द्वारा इस इमेज को 45 डिग्री के एंगल पर खींचा गया था, जिसके कारण हम केवल लॉन्च साइट को ही नहीं, बल्कि उसके आसपास मौजूद ब्लास्ट में डैमेज हुए व्हीकल, इरेक्टर टावर और यहां तक कि लॉन्च साइट पर इरानियन लैंग्वेज में लिखे वर्ड्स को भी देख सकते थे। अब इस इमेज की डिटेल ने ये तो क्लियर कर दिया कि ये रॉकेट ब्लास्ट शायद रीफ्यूलिंग के दौरान हुए किसी टेक्निकल गलती का कारण था, पर ट्रंप ने अमेरिका को इनोसेंट प्रूव करने के लिए जो बड़ी गलती की, शायद उसके लिए अमेरिकन इंटेलिजेंस उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। क्योंकि देखो, इस इमेज ने ना पूरी दुनिया को यह बता दिया कि आसमान में अमेरिका के पास ऐसी हाई रेजोल्यूशन वाली सैटेलाइट्स है, जो दुनिया के किसी भी देश, किसी भी जगह, किसी भी इंसान को काफी एक्यूरेटली स्पाई करती रहती है। अब इस इमेज को लेकर और भी जो डराने वाली बात थी वो ये थी कि ये इमेज एक प्रिंटेड फोटोग्राफ की फोन से ली गई इमेज है। जी हाँ दोस्तों, जरा गौर से देखोगे तो आपको इमेज के बीचों बीच फ्लैश लाइट और इसके बीच में एक इंसान की परछाई भी देखने को मिलेगी, जो फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करके इस फोटोग्राफ को अपने फोन में खींच रहा है। अब जरा सोचिए कि ये सैटेलाइट की रियल फोटो की प्रिंटेड फोटोग्राफ की भी फोन के कैमरे द्वारा खींची गई एक इमेज है। नाउ जस्ट इमेजिन कि सैटेलाइट द्वारा कैप्चर की गई रियल इमेज इससे कितनी ज्यादा हाई क्वालिटी की होगी। दोस्तों, इंटरनेट पर इस इमेज के आने के बाद जल्द ही कई सैटेलाइट डेटा को ट्रैक करने वाले लोगों ने इस फोटो के एंगल और ज्योग्राफी बेस्ड डेटा से अवेलेबल सैटेलाइट के ऑर्बिट्स मैच किया और जल्द ही ये बात साफ हो गया कि उस समय अमेरिका की यूएसए 224 यानी KH-11 स्पाई सैटेलाइट ईरान के ऊपर से उड़ रही थी, जिसने इस इमेज को कैप्चर किया था। दोस्तों, ओरिजिनल स्पाई सैटेलाइट्स की शुरुआत साल 1970s में फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट KH-11 यानी की होल 11 ब्लॉक 1 के लॉन्च के साथ अमेरिकन नेशनल रिकॉग्निशंस ऑफिस यानी कि NRO द्वारा की गई, जिस स्पाई सैटेलाइट को लॉकहीड मार्टिन द्वारा उनके सनीवेल कैलिफोर्निया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनाया गया था। KH-11 फर्स्ट अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट थी जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिजिटल इमेजिंग के जरिए रियल टाइम ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशंस कर सकती थी। चाइना के जियान H6Z
सैटेलाइट बॉम्बर की ये इमेज ऐसी ही एक KH-11 ब्लॉक 1 सैटेलाइट द्वारा साल 1976 में कैप्चर की गई थी। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, शुरुआती KH-11 सैटेलाइट मैनुअल मेमोरी पर बेस्ड थी जो ओल्ड फिल्म रील्स में इमेज एंड वीडियो को रिकॉर्ड करती थी। अब साल 1970s में इन सैटेलाइट्स में इतनी बेहतर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA और NASA इन रियल टाइम में रिकॉर्ड इमेज एंड वीडियोस को सिग्नल्स के थ्रू रिसीव कर सके। इसीलिए उस दौरान स्पाई सैटेलाइट में मौजूद फिल्म भर जाने के बाद उन्हें बूस्टर कैप्सूल्स के जरिए पृथ्वी पर वापस गिराया जाता था, जिन्हें बाद में अमेरिकन एयरफोर्स द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता था। नाउ ऑफ कोर्स ये तरीका सबसे एफिशिएंट तो नहीं था, बट उस समय ये एक लौता तरीका था जिससे अमेरिका अपने कोल्ड वॉर के दुश्मन यानी कि सोवियत यूनियन पर नजर रख रहा था। लेकिन साल 1980s के बाद लॉन्च हुआ KH-11 ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3, जिसे KH-12 नाम भी दिया गया था। उसमें इन स्पाई सैटेलाइट्स को भी अपग्रेड किया गया और अब इनमें डिजिटल मेमोरी एंड डिफरेंट वेवलेंथ को कैप्चर करने वाले एडवांस सेंसर्स यूज किए जाने लगे। अब ये इमेज जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये इन्हीं KH ब्लॉक 3 सैटेलाइट द्वारा अफगानिस्तान के ज़वाहर केली कैंप की ली गई इमेजेस हैं, जिसे मुजाहिदीन द्वारा ट्रेनिंग कैंप के रूप में यूज किया जा रहा था, जिन्हें बाद में सैटेलाइट इमेज द्वारा इंफॉर्मेशन गैदर करते हुए अमेरिका ने 20 अगस्त 1998 में स्ट्राइक करके उड़ा दिया। साल 2000 के बाद से भी साल 2018 तक 5 और नए जनरेशन की होल सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं, जो लगातार दुनिया के हर हिस्से पर अपनी नजर बनाए हुए है। अमेरिका ये तो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करती है कि इन KH स्पाई सैटेलाइट का एक्चुअल ऑर्बिट और इमेज रेजोल्यूशन क्या है, बट डिफरेंट सोर्सेस एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट के जरिए पोस्ट की गई इस फोटो के बेसिस पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि की होल सैटेलाइट के न्यू जनरेशन अपग्रेडेड वर्जन 6 से 1 सेंटीमीटर पर पिक्सल रेजोल्यूशन में इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं, जो इसे पूरी दुनिया की हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाली स्पाई सैटेलाइट में से एक बनाती है। और इस इमेज से पहले दुनिया को पता भी नहीं था कि अमेरिका के पास इतनी हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाली स्पाई सैटेलाइट मौजूद भी है। और दोस्तों यहां पर एक और शॉकिंग सीक्रेट बताऊं, रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि ये की होल सैटेलाइट्स हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी बेहतर है। दोस्तों की होल सैटेलाइट की इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा सीक्रेट है कि इनकी आज तक इंटरनेट पर एक भी ऑफिशियल फोटो रिलीज नहीं की गई है। यहां तक कि इसके विकिपीडिया पेज पर जो इन्फॉर्मेशन एंड इमेजेस आप देख रहे हैं ना, वो भी हबल स्पेस टेलीस्कोप के असेंबली की इमेजेस है, क्योंकि कई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक से हमें ये पता चलता है कि की होल सैटेलाइट से ही हबल स्पेस टेलीस्कोप की टेक्नोलॉजी इंस्पायर्ड है। शॉकिंग बात है ना, क्योंकि रिसर्च के दौरान मेरा भी इस बात ने दिमाग घुमा दिया था, क्योंकि जिस हबल स्पेस टेलीस्कोप को हम दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप मानते हैं, उसकी मेकिंग का प्रपोजल और यहां तक कि पहली फंडिंग भी साल 1978 में कांग्रेस द्वारा अप्रूव की गई थी। जबकि जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि साल 1976 में ही NRO दुनिया की फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट लॉन्च कर चुका था। और इन सब में जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है कि साल 1980s के दौरान हबल स्पेस टेलीस्कोप मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली भी लॉकहीड मार्टिन के सनीवेल कैलिफोर्निया फैसिलिटी में ही की गई थी, वही सेम फैसिलिटी में जहां इससे पहले KH-11 सैटेलाइट को बिल्ड किया गया था। और विकिपीडिया के माने तो इसकी डायमेंशंस ऑलमोस्ट हबल स्पेस टेलीस्कोप जितनी ही है। ऑल्सो 4 सितंबर 2010 में एस्ट्रोफोटोग्राफर राफ वेंडेबर्ग ने लो अर्थ ऑर्बिट में घूमती एक KH-11 USA-129 सैटेलाइट की इमेज भी खींची थी। अब ये इमेज इतनी क्लियर तो नहीं थी, लेकिन साइड बाय साइड इस इमेज में दिख रही सैटेलाइट एंड हबल स्पेस टेलीस्कोप में काफी सिमिलैरिटीज देखी जा सकती है। वैसे रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती है कि की होल सैटेलाइट की नई जनरेशन हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी ज्यादा पावरफुल है, जिनमें हबल से भी बड़ा 3 मीटर्स के डायमीटर वाली प्राइमरी मिरर लगा हुआ है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि हबल में नासा ने 2.4 मीटर्स के डायमीटर वाला प्राइमरी मिरर यूज किया था। अब जरा इमेजिन करो कि जो एक हबल स्पेस टेलीस्कोप कई डिकेड से यूनिवर्स के सीक्रेट्स की नॉलेज हमें दे रहा है, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर मौजूद सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की इमेज कैप्चर कर रहा है, अगर उससे भी पावरफुल टेलीस्कोप पृथ्वी पर हमारी जासूसी करे तो ये कितना कंसर्निंग होगा। और इससे भी ज्यादा स्कैरी बात तो ये है कि की होल कोई एक सैटेलाइट नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि समय समय पर अमेरिका द्वारा इस तरह की कई सीक्रेट की होल सैटेलाइट्स लॉन्च की गई है,
एंड एक एस्टिमेशन के मुताबिक अभी इस समय 10 से 15 की होल सैटेलाइट्स लगातार लो अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी के चक्कर काट रही है, जिनकी नजरों में दुनिया का हर देश, हर एक कोना और हर इंसान है। वैसे ये चीज ना अब मुझे भी डरा रही है कि आखिर जिस प्राइवेसी की हम इतनी चिंता करते हैं, क्या वो सच में अब एग्जिस्ट करती भी है। वैसे इस वीडियो को देखते हुए क्या आपके मन में ये ख्याल आया कि चलो दिन के उजाले में घर से बाहर खुले आसमान में ये सैटेलाइट हम पर नजर रख सकती है, पर रात के अंधेरे में कंक्रीट की कई लेयर्स वाले घरों के अंदर हम तो सेफ ही होंगे ना। जैसे कि मैं इस स्टूडियो के अंदर बिल्कुल सेफ हूँ, वेल सेफ हूँ ना। अच्छा, हबल स्पेस टेलीस्कोप की इस इमेज को देखिए, काफी खूबसूरत इमेज है ना, क्यों? पर असल में आप इस इमेज को विजिबल लाइट में कैप्चर कर नहीं सकते। दरअसल इसे हबल के इंफ्रारेड कैमरा द्वारा कैप्चर किया गया है, एक ऐसी वेवलेंथ जिसके लिए कई लाइट ईयर्स में फैले नेब्यूला क्लाउड्स को पार करना भी काफी आसान बात है। और हबल में ऐसे कई इक्विपमेंट्स एंड सेंसर्स लगाए गए हैं जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स को कैप्चर कर सकते हैं। अब जरा सोचिए कि जो हबल स्पेस टेलीस्कोप खुद KH-11 स्पाई सैटेलाइट के टेक से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया हो, तो क्या इनके सैटेलाइट में वो इक्विपमेंट नहीं होंगे? खास करके तब जब उनके हर कुछ साल में न्यू एंड अपग्रेडेड वर्जन तैयार करके लॉन्च किए जा रहे हो। वैसे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम रिलीज की गई कई की होल सैटेलाइट्स की कई इमेजेस से हमें ये पता चल जाता है कि उनके पास भी डिफरेंट वेवलेंथ को कैप्चर करने की एबिलिटी है, जो इन्हें रात के अंधेरे के साथ साथ कंक्रीट के आर पार देखने की एबिलिटी भी दे देती है। इन शॉर्ट, दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां आप इन स्पाई सैटेलाइट से बच सके। चाहे आप रात के अंधेरे में हो, अपने घर के अंदर मौजूद हो, या फिर उजाले में घर के बाहर हो। वैसे अमेरिका के पास रात में और बेहतर सैटेलाइट इमेजिंग करने के लिए कई और स्पाई सैटेलाइट्स मौजूद है। तो देखो, ये है SAR, यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट, जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम पर नहीं बल्कि रेडियो वेव के जरिए ग्राउंड इन्फॉर्मेशन को गैदर करती है। तो इस SAR की वर्किंग काफी सिंपल है। ये लगातार लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते हुए सरफेस की ओर रेडियो वेव्स भेजती रहती है, और सिर्फ सरफेस से टकराकर आने वाले उन रेडियो वेव्स को रिसीव भी करते रहती है। जिन वेव्स की रिसीविंग टाइम और स्ट्रेंथ की मेजरमेंट उस ऑब्जेक्ट एंड सरफेस के बारे में उसे बताती है जिससे वो रेडियो सिग्नल्स टकरा कर आए हैं। इन सैटेलाइट से भी 16 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन तक की इमेजेस कैप्चर की जा सकती है। वैसे क्योंकि ये विजिबल लाइट को कैप्चर नहीं करती, इसलिए हम किसी के चेहरे या फिर कलर्स की प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर सकते, पर किसी बड़े स्ट्रक्चर लाइक व्हीकल, बिल्डिंग और एरिया का 3D मैप क्रिएट करने में ये सैटेलाइट काफी अच्छी टेक्नोलॉजी साबित होती है। अब जरा इमेजिन करिए कि की होल एंड SAR जैसी पावरफुल स्पाई सैटेलाइट्स के जरिए अमेरिका दुनिया की अलग अलग कंट्रीज की कितनी सीक्रेट और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता होगा। यही इन्फॉर्मेशन है जो अमेरिका को दुनिया से कई कदम आगे बनाए रखती है, और यही इन्फॉर्मेशन अमेरिका की CIA को इतनी ताकत देता है कि वो रात में किसी दूसरे देश में जाकर मिलिट्री ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। आज के इस वीडियो की रिसर्च और एडिटिंग में ओवरऑल काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो यार इस वीडियो को ज्यादा लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली का ज्यादा शेयर करो, ताकि ये वीडियो सभी लोगों के पास पहुंचे और सभी को ये सीक्रेट बात पता चल सके कि कैसे अमेरिका में लगातार स्पाई करता आ रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं ये वीडियो बस मजाक में बना रहा हूं, तो खुद जाकर इसके बारे में रिसर्च कर लेना गूगल पे, आपको अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी कि ये कितनी खुफिया बात है। उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस काफी मजेदार लगते होंगे और आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलता होगा। अब अगर आप अंतरिक्ष टीवी को सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप हमारे ऑफिशियल मर्चेंडाइज को खरीद सकते हो, या फिर ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप नए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।